नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्रैट स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भारतीय सेना ने 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा, जिसका कैंप पीओके में मौजूद है, और जब तक भारतीय सेना उस कैंप को तबाह नहीं कर देती तब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा। इसलिए भारतीय सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच बैठक हो रही थी, जहां भारतीय सेना के प्रमुख और एनएसए अजीत प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें पीओके में जाकर सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। इससे हमारे सभी दुश्मनों को सीधा संदेश जाएगा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, अब भारत उनको उनके घर में घुसकर मारेगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि प्लान तो ठीक है, लेकिन इस मिशन में हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सेना प्रमुख कहते हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं 20 लोगों की एक टीम बनाऊंगा जो बिना किसी कैजुअलिटी के पीओके में अलकायदा के कैंप को नष्ट करने के बाद सफलतापूर्वक वापस आ जाएगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भारतीय सेना के अधिकारियों का एक विशेष प्रशिक्षण शुरू किया जाता है और इस प्रशिक्षण के आधार पर सेना के 20 अधिकारियों को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना जाता है और इस मिशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी हमारे टाइगर श्रॉफ को दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री, एनएसए और सेना प्रमुख के बीच एक और बैठक होती है और इस बैठक में सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं कि भारतीय सेना की विशेष टीम दुश्मनों को मारने के लिए पीओके जाने के लिए तैयार है और इस बैठक में हमारे टाइगर भी मौजूद हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख तय करते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक के दिन टाइगर अपनी टीम के साथ पीओके में घुसकर अलकायदा के कैंप की ओर बढ़ता है और भारतीय सेना जैसे ही अलकायदा के कैंप में घुसती है वो अलकायदा के लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे बाकी लोग जाग जाते हैं। जिसके बाद भारतीय सेना और अलकायदा के लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और भारतीय सेना महज 15 मिनट के अंदर अलकायदा के कैंप को नेस्तनाबूद कर देती है। लेकिन असली दिक्कत तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब हमें पीओके से भारत वापस जाना है और इस हमले की खबर पाकिस्तानी सेना को लग गई है और वो अलकायदा कैंप की तरफ बढ़ रही है, जिससे भारतीय सेना के जवान पीओके की बॉर्डर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना उन पर पीछे से फायरिंग शुरू कर देती है और इसके बावजूद भारतीय सेना पीओके से बिना किसी कैजुअलिटी के वापस भारत आ जाती है और सुबह सुबह प्रधानमंत्री खुद देश को इस मिशन की सफलता की जानकारी देते हैं और सबको बताते हैं कि भारतीय सेना ने इस मिशन को महज 45 मिनट में खत्म कर दिया, जिसे सुनकर सभी देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा भी किया गया। ऐसा करने के लिए अब टाइगर और उनकी टीम को वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, ये थी बागी 4 की पूरी कहानी। आपको बागी 4 की पूरी कहानी कैसी लगी है हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।